आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ आप सभी का डाउटनेट में स्वागत है गाइस तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे जेईई मेंस 2020 मेमोरी में बेस्ड क्वेश्चंस है तो इस क्वेश्चन में आज हमसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी फॉर एल्यूमिनियम मर्क्यूरी कॉपर एंड टन तो हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी बताना है इन चारों का ठीक है तो हमें चार ऑप्शन रखा है वन टू थ्री एंड फोर तो हम जानते हैं जैसे कि आर दर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई एल अपॉन ए रो क्या हो गया हमारा रो हो गया हमारा रेजिस्टिविटी एंड एल हमारा क्या हो गया लेंथ ठीक है गाइस और ए क्या होता है हमारा ए हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए इन चारों का हमें रेजिस्टिविटी पता है तो हम आपके लिए लिखते कि रेजिस्टिविटी ऑफ एच जी क्या होता है दैट इज 98 एट मल्टीप्लाई टेन टू दावर माइनस एट ठीक है रो ऑफ एल्युमिनियम क्या होता है हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यमियम दैट इज टू पॉइंट मल्टीप्लाई दावर माइनस एट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर हमारा क्या हो गया वन पॉइंट सेवन टू फोर मल्टीप्लाई टेन टू दावर माइनस एट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ स्टन हमारा क्या हो गया दैट इज फाइव पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई टेन टू दाइनस एट अब हमें जब हम किसी को कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है एंड तो इतनी जानकारी आप लोगों ने जान ली रेजिस्टिविटी के बारे में तो आइए अब इन चारों को हम एक ऑर्डर में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा गाइज सो यू कैन सी कि यहाँ पे सबसे कम किसकी हो गई है रेजिस्टिविटी डेट इज Cu की ठीक है Cu की देन उसके बाद किसकी है एल्युमिनियम की देन उसके बाद किसकी है W की देन उसके बाद टंगस्टन की तो ठीक है हम इसको एक फॉर्म में रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम दैट इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन

करेक्ट आंसर आई होप यू अंडरस्टैंड सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करिए डाउटनेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर